गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो वी स्टडीड स्पीड ऑफ साउंड वेव और थ्री मार्क के थियोरी में हमने यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी इज इक्वल टू वर्गमूल बल्क मॉड्यूलस बाय रो प्रूव किया था बी बाय रो. ओके, उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, उसने बोला था कि स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव वो जो होता है वो आइसोथर्म टेम्परेचर कॉन्स्टेंट वाला प्रोसेस रहता है. तो वो पीवी इज इक्वल टू गैमा, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. उसके बेस हमने बल्क मॉड्यूलस को प्रेशर प्रूव किया था अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 9. बल्क मॉड्यूलस आपने पढ़ा हुआ है. ओके, और उसके बेस जो न्यूमेरिकल किया तो उसमें हमने देखा कि स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर मीडियम फॉर आइडियल गैस तो वो हमने 280 मीटर पर सेकेंड प्रूव किया था अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फॉर्मूला. ओके, बट दिस इज नॉट राइट. न्यूटन ने ये जो प्रूव किया था वो गलत था. तो जो स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर मीडियम, मतलब कि मैं जो बोल रहा हूं वो जो साउंड वेव है उसका जो स्पीड है ना वो पर यूनिट सेकेंड 1 किलोमीटर दैट इज 1000 मीटर का थर्ड पोर्शन रहता है, दैट इज 333 मीटर पर सेकेंड रहता है साउंड वेव का स्पीड. ओके, सो 331 इज द एग्जैक्ट वैल्यू मीटर पर सेकेंड फॉर स्पीड ऑफ साउंड वेव. ओके, तो यहां पे न्यूटन को न्यूटन के इक्वेशन में करेक्शन लाने वाला जो साइंटिस्ट था वो था लाप्लास. वो साइंटिस्ट का नेम क्या था? लाप्लास. तो वो करेक्शन ऑफ लाप्लास इन न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड वेव तो वो हमें यहां पे समझना है, वो हमें यहां पे समझना है. तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आ सकता है. ओके, तो राइट इक्वेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड वेव ऑफ न्यूटन, वो तो स्पीड ऑफ साउंड वेव न्यूटन्स फॉर्मूला v इज इक्वल टू वर्गमूल p बाय रो, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर तो वो प्रेशर 1 atm. उसके बेस हमने स्पीड ऑफ साउंड वेव इतना प्रूव किया था इलास्ट्रेशन में, इलास्ट्रेशन 4 किया है ना लास्ट में आपके नोट में. ओके, तो इतना प्रूव किया है, बट ये प्रैक्टिकली गलत है, बराबर है. तो उसका करेक्शन लाप्लास ने किया था, वो कैसे किया था वो हमें यहां पे एक्सप्लेन करना है. तो न्यूटन ने क्या बोला था कि ये जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव है वो आइसोथर्म टेम्परेचर कांस्टेंट वाला थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा आपने स्कूल में, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ये चैप्टर, आइसोथर्म प्रोसेस टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कॉन्स्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ओके, तो वो न्यूटन ने बोला था, बट लाप्लास में लाप्लास ने उसमें क्या करेक्शन लाया कि ये जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव है, लाप्लास सेड दैट प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इन एनी मीडियम इज नॉट आइसोथर्म प्रोसेस, इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस है ये? एडियाबैटिक प्रोसेस है. एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट दैट इज एनर्जी वो कॉन्स्टेंट रहता है. ओके, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 12. ओके, और केमिस्ट्री में भी ये है. तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस का जो इक्वेशन है ना वो आप वहां पे पढ़े ही होंगे. ओके, तो यहां पे ये थोड़ा डायरेक्ट है, वो ये मैंने नहीं चलाया हुआ है आपको. ओके, तो वो आपको थोड़ा देखना होगा, थोड़ा ही देखना है. ओके, तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए
आइसोथर्म प्रोसेस के लिए पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था. ओके, तो एडियाबेटिक प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी कॉन्स्टेंट रहता है, ओके, तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पीवी के ऊपर गैमा आएगा वी के ऊपर, और ये जो गैमा है वो हीट कैपेसिटी, सीपी फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड सीवी फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों का रेशियो के जितना होता है. तो वो जो गैमा है उसका इक्वेशन सीपी बाय सीवी आएगा अकॉर्डिंग टू द चैप्टर 12, आपको स्कूल में चलाया गया होगा. अगर ये नहीं आ रहा है आपको तो थोड़ा स्कूल में सर को पूछ लीजिएगा, बराबर है, चैप्टर नंबर 12 में आएंगे. ओके, और इसका जो वैल्यू रहता है वो 7/5 आता है, और 7/5 दैट इज 1.4 रहता है. ओके, तो इसके बेस यहां पे लाप्लास ने करेक्शन क्या लाया था न्यूटन्स फॉर्मूला में, तो यहां पे बल्क मॉड्यूलस बी बाय रो की जगह पे न्यूटन ने प्रेशर प्रूव किया, बी की जगह पे प्रेशर प्रूव किया. लाप्लास ने बोला कि यहां के पी के साथ गैमा भी आएगा, तो इक्वेशन क्या आएगा, रूट ऑफ गैमा पी बाय रो. ओके, तो वो हम यहां पे प्रूव करेंगे. ओके, तो वो कैसे प्रूव करेंगे, तो जैसे ही हमने पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट न्यूटन्स में समझा था, ओके, तो उसी के बेस यहां पे क्या करेंगे हम, तो डेल्टा लेंगे हम दोनों साइड पे, तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में डेल्टा दैट इज चेंज वो तो नहीं होता, तो वो तो जीरो हो जाएगा. ओके, तो यहां पे क्या करेंगे हम, ओके, तो डेल्टा ऑफ पीवी वेस्ट टू गैमा दैट इज इक्वल डेल्टा ऑफ कांस्टेंट ओके. तो यहां पे तो राइट हैंड साइड तो जीरो हो जाएगा, बराबर है. ओके, तो यहां पे ये जो डेल्टा है वो इंडिविजुअल टर्म को लेके करेंगे हम. ओके, तो पहले ये डेल्टा किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पी के साथ, तो वहां पे वी वेस्ट टू गैमा को ऐसे ही रखेंगे हम. ओके, तो यहां पे क्या करेंगे, पहले वी वेस्ट टू गैमा को ऐसे ही रखेंगे. ओके, और डेल्टा पी लिखो प्लस, अब क्या करेंगे हम, तो यहां पे डेल्टा पी का हुआ तो वी वेस्ट टू गैमा को ऐसे ही रखा. ओके, अब क्या करेंगे हम, तो पी को हम ऐसे ही रखेंगे और वी वेस्ट टू गैमा का डेल्टा दैट इज डिफरेंशिएशन लेंगे. ओके, तो डिफरेंशिएशन आपने समझा हुआ है ना कि जो भी ऑर्डर होता है वो आगे मल्टीप्लाई होता है और एक ऑर्डर कम होता है. ओके, तो P को हमें ऐसे ही रखना है और V वेस्ट टू गैमा का डिफरेंशिएशन. ओके, तो गैमा आगे आएगा. ओके, और V वेस्ट टू गैमा का गैमा आगे आएगा तो V वेस्ट टू गैमा माइनस वन होगा. ओके, और डू नॉट फॉरगेट जैसे यहां पे डेल्टा P था तो यहां पे डेल्टा V आएगा आपका. समझ में आया कि ये डिफरेंशिएशन, समझ में आया, एक बार और देख लो कैसे करेंगे हम, ये वापस देखिए, बस यही समझना है आपको, बहुत इजी है. ओके, देखिए कैसे करेंगे हम, पहले क्या करेंगे कि वी वेस्ट टू गैमा को ऐसे ही रखेंगे. ओके, और डेल्टा पी के साथ रहेगा प्लस, अब हम क्या करेंगे कि पी को हम ऐसे ही रखेंगे और V वेस्ट टू गैमा का डेल्टा दैट इज डिफरेंशिएशन लेंगे, तो क्या होगा, तो गैमा आगे आ जाएगा ऑर्डर मल्टीप्लाई हो जाएगा और V वेस्ट टू गैमा का एक ऑर्डर कम होगा तो V वेस्ट टू गैमा माइनस वन होगा. ओके, और जैसे यहां पे डेल्टा P था तो यहां पे वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन किया तो यहां पे डेल्टा V का भी एक टर्म आएगा. क्लियर? ओके, और दैट इज इक्वल टू जीरो. कॉन्स्टेंट का डेल्टा तो वो तो जीरो रहता है, तो वो तो राइट हैंड साइड तो पहले से जीरो है. ओके, और अब हमें क्या करना है कि यहां पे पी की जगह पे गैमा पी लाना है.
तो गैमा पी जो टर्म है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, तो गैमा पी अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। ओके, पहले क्या होगा, वी विश टू गैमा इसमें, वी विश टू गैमा माइनस वन भी है इसमें। ओके, तो पहले क्या करेंगे हम, तो वी विश टू गैमा को हम कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। तो पहले टर्म में यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा बी प्लस पी इंटू गैमा, दैट इज गैमा पी। ओके, और वी यहां पे वी वेस टू गैमा माइनस वन है, तो हम कैसे बोल सकते हैं, वी वेस टू गैमा इंटू वी वेस टू माइनस वन। तो वी वेस टू गैमा तो निकाल लिया ना हमने कॉमन, तो यहां पे क्या होगा, वी वेस टू माइनस वन डेल्टा बी दैट इज इक्वल टू जीरो। ओके, और हमें क्या करना है, यहां पे गैमा पी को सब्जेक्ट बनाना है। ओके, वी रेस टू गैमा को हमने कॉमन लिया तो वो तो इस साइड पे जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू जीरो। ओके, चलो तो यहां पे क्या होगा, चलो यहां पे लिख लेते हैं, तो वी रेस टू गैमा तो उस साइड पे जाएगा तो जीरो, तो डेल्टा पी प्लस गैमा पी वी रेस टू माइनस वन, तो वो डिवाइडेड बाय वी होगा, तो ये डेल्टा बी है, तो यहां पे डेल्टा बी बाय वी लिख सकते हैं। ओके, दैट इज इक्वल टू जीरो, समझ में आ रहा है ना। ओके, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, गैमा पी को सब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, तो अभी डेल्टा पी इस साइड पे जाएगा तो माइनस डेल्टा पी, तो गैमा पी डेल्टा बी बाय वी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा पी। क्लियर? ओके, तो गैमा पी दैट इज इक्वल टू यहां पे क्या होगा, माइनस ऑफ डेल्टा पी और डिवाइडेड बाय डेल्टा बी बाय वी। ओके, तो गैमा पी इज इक्वल टू, अभी समझिए, आपने चैप्टर नंबर 9 उसमें समझा था ना, बल्क मॉड्यूलस, वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन वॉल्यूम स्ट्रेस दैट इज एफ बाय ए, प्रेशर चेंज इन प्रेशर और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन दैट इज डेल्टा वी बाय वी। ओके, तो ये वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन है, तो उसको हम बल्क मॉड्यूलस बोलेंगे ना। ओके, तो बल्क मॉड्यूलस बी, ये बल्क मॉड्यूलस हो जाएगा, ये जो बी है दैट इज अपना चैप्टर नंबर 9 का बल्क मॉड्यूलस है, वो किसकी जगह पे लिया, इसकी जगह पे लिया ना, देखा। ओके, तो वैसे का वैसे न्यूटन फॉर्मूला भी ऐसे ही प्रूव किया था ना, बट यहां पे पी इज इक्वल टू बी प्रूव किया था, बट अकॉर्डिंग टू द लाप्लास एडियाबेटिक प्रोसेस लिया और गैमा पी इज इक्वल टू बी लिया। तो अपना स्पीड ऑफ साउंड वेव, फर्स्ट स्पीड ऑफ साउंड वेव, तो v इज इक्वल टू वर्गमूल b बाय रो था, तो वो b की जगह पे क्या आएगा, यहां पे गैमा p फर्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड वेव इज गिवन बाय दिस बल्क मॉड्यूलस की जगह पे हमने गैमा पी लिया और डेंसिटी डिवाइड बाय रो। क्लियर? आपने लास्ट लेक्चर्स देखे हैं ना, लास्ट टू लेक्चर्स आपने देखे होंगे तभी आपको समझ में आएगा। ओके, अच्छा, तो यहां पे हम v इज इक्वल, इसको थोड़ा सेपरेट कर ले, तो रूट ऑफ गैमा और रूट ऑफ p बाय रो। ओके, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ गैमा का वैल्यू 1.4, थर्मोडायनेमिक्स में ये आप पढ़ोगे। ओके, और रूट ऑफ p बाय रो, और इसका आंसर तो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में लाया था 280। ओके, चलो तो ये हम प्रूव करेंगे कि न्यूटन ने बोला था कि वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड एयर में 280 रहता है, गलत, कितना होता है 331, तो वो करेक्शन लाप्लास ने ऐसे किया हुआ है। ओके, तो इस
इसका आंसर अगर हम लाएंगे तो 1.4 का रूट, कैसे करेंगे 1.4 का रूट, 1.4 का रूट दैट इज 1.183 इनटू 280 करेंगे हम, तो यू विल हैव 331.3। ओके, आया ना इतना आंसर, तो ये करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू लाप्लास, 331 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया आपको, अच्छे से समझ में आया ना, तो ये लाप्लास करेक्शन इन न्यूटन्स फॉर्मूला है ना, 2 मार्क्स में एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। कर लोगे इतना पक्का ना? ओके, तो इतना काम आप कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।